लैंड क्रूजर कार बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक विदेशी नागरिक सहित दो शातिर को साइबर क्राइम टीम और पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरोरा पावर एटॉमिक में कार्यरत टेक्नीशियन से कार दिलाने के नाम पर 27,58,000 रुपये ठगने का आरोप। ग्रेटर नोएडा से फोन पर पीड़ित से संपर्क करते थे ठग। बुलंदशहर की नरोरा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए ओला कैब ड्राइवर और विदेशी नागरिक दोनों को जेल भेजा। बुलंदशहर में दिखा बारिश का कहर। लगातार हो रही बारिश से एक मकान हुआ जमींदोज, मलबे में दबकर 12 बकरियों की मौत। सुबह चारा लेकर पहुंचे किसान को घटना की हुई जानकारी। किसान ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव खाजपुर का मामला। बुलंदशहर में स्थित सपा जिला कार्यालय पर आयोजित की गई मासिक बैठक। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। कार्यकर्ताओं के संग बेहतर प्रदर्शन करने और बूथ स्तर से कार्य करने पर हुई चर्चा। मासिक बैठक में सपा के MLC जितेंद्र यादव, पूर्व विधायक जेवर नरेंद्र कुमार, खुर्जा नगर अध्यक्ष आसिफ जमाली, सभासद आसिफ कुरैशी, कार्यकर्ता आदिल जलीस और यासिन कुरैशी समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। फर्जीवाड़ा कर खाताधारक के बैंक खाते से 5 लाख रुपए निकालने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को साइबर क्राइम और पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर किया घटना का खुलासा। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से 51,500 रुपए, एक वैगनार कार, दो मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक क्लोन बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शातिर लोगों के अंगूठे के बायोमेट्रिक क्लोन व आधार कार्ड का गलत प्रयोग कर निकाल लेते थे रुपए। जनसेवा केंद्र पर आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर उनके फिंगरप्रिंट्स और आधार कार्ड लेकर 16 मई से 4 जुलाई तक उड़ाए गए 5 लाख रुपए। खुर्जा नगर पुलिस ने सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर किया घटना का खुलासा। चारों आरोपियों को जेल भेजा। गेहूं खरीद कर बिना पैसे के टाटा मैजिक से भाग रहे शातिरों का फिल्मी अंदाज में पीछा करते ग्रामीण और पुलिस का वीडियो वायरल। गेहूं खरीदने टाटा मैजिक से गांव पहुंचे थे शातिर। वृद्धा किसान से खरीदे गेहूं का भुगतान किए बिना भाग रहे थे आरोपी। ग्रामीण और पुलिस ने पीछा कर टाटा मैजिक सहित ड्राइवर को दबोचा। अन्य साथी भागने में कामयाब। आरोपी और गेहूं से भरे टाटा मैजिक को पुलिस ले आई थाने सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मंडावरा का मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज बुलंदशहर के अधिकारियों से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित की गई बैठक। निर्धारित स्थान पर मतदान स्थल, मतदाता सूची में नए व पुराने वोटरों के नाम जोड़ने, जनपद व तहसील स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के दिए निर्देश। ऑनलाइन आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी DM रविंद्र कुमार, उप जिला निर्वाचन, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में हजारों किसानों के पहुंचने का अनुमान। 100 बस और सैकड़ों कारों में सवार होकर मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे बुलंदशहर के किसान। बीबीनगर, अनूपशहर, सियाना, ऊंचा गांव, लखावटी और औरंगाबाद के किसान वाया गढ़ होते हुए पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। शिकारपुर, खुर्जा, अरनिया, डिबाई और सिकंदराबाद के किसान वाया हापुड़ होते हुए पहुंचेंगे मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत को लेकर बुलंदशहर में पुलिस दिख रही अलर्ट। बारिश के बाद टपकने लगा जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड। पानी टपकने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। स्वास्थ्य विभाग बना हुआ अनजान। वायरल वीडियो में बेड और वार्ड में दिख रहा बरसात का पानी। वायरल वीडियो में टपकते पानी के पास बेड पर मरीज लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल का बताया जा रहा वायरल वीडियो। बुलंदशहर का एक सरकारी स्कूल बना तालाब। लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल परिसर में गंदे पानी से हुआ जलभराव। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। जल निकासी न होने से बनी समस्या, बीमारी को दावत दे रहा तालाब बना स्कूल। सियाना तहसील के गांव भड़काऊ में स्थित प्राथमिक विद्यालय की वायरल वीडियो। अस्पताल के 108 राजकीय एम्बुलेंस हेल्प डेस्क की कार्यात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का जिला कार्यालय में किया गया आयोजन। एक कॉल पर 15 मिनट में निशुल्क जीवन रक्षक एम्बुलेंस सेवा को बेहतर बनाने के बारे में जिला प्रभारी अंशु गोयल ने दी जानकारी। बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक योगेंद्र कुमार और EME सैयद उपस्थित रहे। जर्जर सड़क पर बारिश होने के कारण हुए जलभराव और गंदगी से होकर गुजरते मासूम स्कूली बच्चे।
सड़क निर्माण बीच में रुकने से स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही परेशानी, ग्रामीणों में रोष। एक महीने से रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य ग्रामीणों के लिए बना हुआ आफत। विकासखंड पहासू क्षेत्र के गांव पंडरावल की तस्वीरें। बुलंदशहर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर छात्रों ने अंक पत्र में प्रमोटेड लिखे होने पर दाखिला मिलने में हो रही परेशानी से कराया अवगत। छात्रों के अनुसार हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र में प्रमोटेड लिखा होने पर कई विद्यालय दाखिला नहीं दे रहे, जिसके चलते छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से मामले में जल्द समाधान कराने की मांग की है। सोमवार को पूरे प्रदेश में मेगा टीकाकरण दिवस आयोजित किया जाएगा। बुलंदशहर जिले के लिए 67,500 डोज का लक्ष्य आवंटित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की 317 टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों को लगाएंगी डोज। बचे हुए शिक्षकों को डोज लगवाने के लिए BSA और DIOS को भेजा गया पत्र। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।